सोनाली जी अभी अभी मिला अभिषेक भेटा ना मैडम जी थोड़ा पीछे जाइए ना थोड़ा पीछे सुनिए मैम मिलू गया यहाँ पे सेंटा सेंटा मैडम जी एकदम सामने आपके नीचे सेंटा सेंटा ऊपर मैम अभी यहाँ पे मैडम जी नीचे थोड़ा सा सुना जी यहाँ पे सेंटा सामने अनूप अनूप सुनाली मैम मैम यहाँ भाई आपको मैं बुला रहा हूँ मैम यहाँ पे मैम सुनाली जी राइट सुना जी यहाँ पे यहाँ पे एक मिनट मैडम जी रुकिए सर आ रहे एक साल के साथ सर यहाँ पे सेंटर लुके राइट बोथ ऑफ यू भाई मैडम जी यहाँ पर सर अभी यहाँ पे सब यहाँ पर सर नवाज भाई सर थैंक यू नवाज भाई का एक सोलो लेना नवाज भाई नवाज भाई थोड़ा पीछे नवाज भाई कैमरा नीचे और सबको जादू देखना सर लोग भारी है जादू भाई वापस सर अभी यहाँ पे सर यहाँ पर लैला सर यहाँ नूपुर जी आगे आइए आगे आइए ऊपर 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 लाइट नहीं पहुंच रही है बराबर बराबर सामने से देखिए सेंटर सेंटर नूपुर जी सामने थोड़ा नीचे नहीं ठीक है अरे सही है रे रोहित बराबर सेंटर नहीं 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 सही हो मैम यहाँ पे देखिए एकदम सामने उसका तो फ्लैश ले मुड़ते यार नूपुर जी यहाँ पे देखिए एक बार नीचे यहाँ पे मैडम यहाँ जी एक मैडम नूपुर जी सेंटर एक मिनट रुकिए मैडम जी अरे लाइट नहीं पहुंची थोड़ा आगे बोला ना बस बस थोड़ा क्लोज आ जाओ क्लोज हम क्लोज नूपुर जी नूपुर रुके सेंटर 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 यहां पर देखिए यहां पे सेंटर अनूप चलो हो गया सुरेश नवाज भाई को बुलाना है लाइट पहुंची नहीं रही है पहुंची नहीं रही लाइट तो चाहिए लाइट मारा ही नहीं है वो कहां से पहुंचेगा एक मिनट पेरे किसके मेरा भी रोल चालू उसने सीधा नीचे मार दिया हाथ तू रोल बंद कर देता है अरे भाई इधर तो कर लो ना अभी मैं नीचे करूंगा इनका फेस आएगा देख रहे हो आप मुझे करने में क्या है मैं क्यों नहीं करूंगा मैडम जी यहाँ पे सेंटर नाइस हेयर यहाँ पे सेंटर थोड़ा कम क्लोज है लैला सेंटर सेंटर जादू सर यहाँ पर सर मैम यहाँ पर अनूप अनूप सेंटर आप मैडम नहीं 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 बिल्कुल एक में भाई आई का साथ में अनु हाँ सर आप सेंटर क्या बात है क्या बात है लुके सेंटर लुक सेंटर 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 ऑल ऑफ यू ऑल ऑफ यू अभी सामने एकदम सामने सेंटर सेंटर ऊपर जी सब लोग सामने नीचे सब लोग सामने नीचे सामने नीचे थोड़ा नीचे डाउन है अनु
मुझे तो मेरा ही प्रेम नहीं दिख रहा है सुना लेकिन यहाँ पर नहीं दिखा अनु अनु तो सबको जानता है एक मिनट क्या एक मिनट आए आए डायरेक्टर सर अच्छा सर अपने पैर की लगा दी ऐसा नीचे उतरना नहीं चाहते हाथ करना है ना उसके लिए पूरी टीम आइए पूरी टीम टाइम नहीं अरे तेरा पूरा आ रहा है मेरे में कहाँ देख रहा है अनु सुनील सर ग्लास नहीं चाहिए आपको पीना नहीं है अरे मनोज क्या कर मनोज भाई सेंटा सेंटा नीचे बाद में मनोज के पास बाद में देखो एकदम सेंटर और एक डायरेक्टर और डायरेक्टर और के स्टार कास्ट हां वही चीज डायरेक्टर और स्टार कास्ट डायरेक्टर और स्टार कास्ट सबसे पहले तो ढेर सारी बधाई मिलानी चाहिए चेहरे की रैपअप पार्टी के मौके पर हम सभी यहाँ पे चेहरे जैसा कि आपने बताया कि मुझे तो अब तक लगा कि दो नूरानी चेहरे यहाँ होंगे लेकिन मैं सुन रहा हूँ कि आवाज भाई नूरानी चेहरा है क्या वो दिखने से पता चल जाएगा ना कौन कौन है दिखने से पता चला बट यही क्लिशे ब्रेक करना है हमें फिल्म के साथ आप सरप्राइज क्यों हो रहे हो मत आपको क्या लगा नूर तो इनके इनकी आंखों में है इनका एक नाम नूर है फिल्म का नाम नूर है हमारी भी कर देना बहुत थोड़ी सी तारीफ देखो क्या है फिल्म का फिल्म खत्म हुई है और इस बात की बहुत खुशी है कि बहुत अच्छी स्टार कास्ट है और जैसे कि आप देख रहे हैं कि क्या नोट टपक रहा है और इनकी मूवी क्या क्या तो मुझे बहुत खुशी है कि भाई ऐसे ऐसे स्टार जो एक्टर्स के साथ में काम कर रहा हूँ बहुत कुछ सीखने को मिला इनसे Oh my God. क्या सीखा आपने बिल्कुल ये बहुत ही अच्छा सवाल है ये हमें भी जानना क्या सीखा ये एक उसके लिए मुझे बहुत लंबी किताब है जिसकी मुझे लिखनी पड़ेगी हम आए हैं अब तो हमें भी जानना है अब तो हमें भी जानना नहीं तो हमें लगेगा फ्रेंकली स्पीकिंग इनकी जो ऑनेस्टी है सिनेमा में फिल्म में दिखाई देगी आप बहुत ही सादगी के साथ और बहुत ऑनेस्टी के साथ उन्होंने काम किया हालांकि इनकी पहली फिल्म थी बट वो सादगी क्योंकि सबसे टफ जो है एक्टिंग में यही हम लोग उसी के लिए स्ट्रगल करते हैं और जो है ये तो एक्सपीरियंस हैं और बहुत अच्छा काम किया इन्होंने और बहुत ही हाजिर जवाब हैं और बहुत ही ऐसा लगता है कि बहुत ही लाइव है लाइव बैठी है जब भी कैमरा ऑन होता है भले ये सुस्त पड़े रहते हैं लेकिन एकदम अचानक से जैसे ही कैमरा आता है बहुत लाइव कैमरे के पीछे कुछ और है लेकिन कैमरे के सामने कुछ और होता है ओह वाओ इट्स वेरी ऑब्जर्वेंट लोगों जी डेब्यू कर रहे हैं आप हालांकि आपके गाने को हमने देखा है कि कुछ जुगाड़ पे रह चुके हैं और आप एक्टिंग से डेब्यू कर रहे हैं तो आप बताएंगे फिल्म से कैसा रहा एक्सपीरियंस विद आवाज भाई के साथ सो मैं हिबा का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड मुझे क्योंकि आप जब नए होते हो ना तो आपको चीज़ें नहीं पता होती इतने अच्छे से एंड अगर आपके सामने कोई इतना अच्छा एक्टर हो
तो आपको ये पता होता है कि आप जितनी मेहनत करोगे उससे ऊपर ही दिखेगा, क्योंकि वो आपको ऐसी एनर्जी देते हैं. तो बहुत हेल्प करी है इन्होंने मेरी हर सीन में, विदाउट रियली कंट्रोलिंग एंड रिस्ट्रिक्टिंग मी कि ये करो वो करो. बट आई थिंक जैसे जैसे मैं चली गई ही मोल्डेड एज पर दैट, विच आई रियली रिस्पेक्ट, बिकॉज आप नए होते हैं तो आपको यही चाहिए होता है कि कोई आपको खुद से ग्रो करने दे रादर दैन आपको बताए. बिकॉज यू नीड टू इमेजिन, यू नीड टू बी क्रिएटिव, यू नीड टू क्वेश्चन, जो मैं बहुत करती हूँ, जो मैंने सर खाए हैं सबके क्वेश्चन कर करके. यू कैन आस्क माई डायरेक्टर. चलो मैडम आप बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस विद दो हैंडसम ब्यूटीफुल स्टारकास्ट के साथ में. सर ने बोल दिया कि आप काफ़ी एक्सपीरियंस हैं, तो आप बताइए. मुझे तो बहुत एवरी मोमेंट बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल और ऑनर्ड फील हो रहा था, सिंपली बिकॉज ऑफ कोर्स ये प्रोजेक्ट और स्क्रिप्ट लेवल पे तो बहुत अमेजिंग है. बट मेरा पहला रीज़न आफ्टर द स्क्रिप्ट जुड़ने का इस फिल्म के साथ वॉज ऑफ कोर्स निराशा. एंड इट्स लाइक मुझे लग रहा था कि मैंने इतने टाइम एक्टिंग में पैसे क्यों वेस्ट किए, इन्हीं के साथ पहली फिल्म मिल जाती तो मैं देख देख के. बट जेन्युइनली शायद मैंने कहते से काफ़ी एक्सप्रेस किया भी है और शायद उतना नहीं कर पाऊँ. जस्ट इनको आप जब मेरा शॉट नहीं चल रहा था इनको बस बैठ के मैं देखती थी एक क्रीप की तरह, क्रीप पता ना एकदम क्रीप की तरह मैं देखती थी. हाँ स्टॉकर तो अभी रील एक्सपीरियंस शुश. बट जस्ट ओवरऑल एक्सपीरियंस एंड ऑफकोर्स टैलेंट वैलेंट वो बहुत क्लीशे हो जाता है, हम सबको पता है वो कितने ब्यूटीफुल आर्टिस्ट है कितना सीखा है. बट मुझे बहुत कंफर्टेबल लगा और मज़ा आया. दिस वॉज अ फन प्रोजेक्ट, मज़ा आया. नुपुर वॉज सो अमेजिंग, उसकी पहली फिल्म है. बट वी जस्ट काइंड ऑफ आई थिंक इट टुक अस 2 days 3 days जेल्ड. हाँ मतलब 2-3 दिन लगे बिकॉज यू नो शी वॉज इन हर एलिमेंट एंड आई वॉज इन हर एलिमेंट एंड देन वी वर लाइक I was going to say a bad word, but leave this thing, and then we were, you know, it was amazing working with the whole team. How was like stalker, school teacher, principal, ऐसे सारे आपको खिताब दिए जा रहे हैं मुझे. हाँ खिताब दिए जा रहे हैं. Friendly. But you know, हाँ of course. But you know, एक सबसे अच्छी बात क्या थी कि हमने किसी भी चीज़ का ना जितने भी हम आर्टिस्ट हैं हमने किसी चीज़ का प्रेशर नहीं लिया. एक माहौल ऐसा बना था कि कहते हैं ना खुद ब खुद होती चली जा रही थी चीज़ें. यू नो एक्टिंग का यही है कि उसको ईज़ बनाने के लिए माहौल जो होता है ना वो भी ईज़ बनाना पड़ता है. अब अगर इस तरह की फिल्म में हम लोग को बहुत नहीं आपको यहाँ पे पॉज लेना है, यहाँ पे ये बोलना है, अंडरलाइन करनी है, तो एक भी एक्टर ना कर पाता. तो जैसा हमारा माहौल था बिहाइंड द सीन ऐसे ही फिल्म थी. तो हम जब सीन शुरू करते थे हमें पता ही नहीं चला था कि हम रियल एक्टिंग कर रहे हैं या इससे पहले जो बातें कर रहे थे उस तरह की बातें कर रहे हैं. तो इतना सिंक हो गई इनकी चीज़ें यहाँ रियल और रियल लाइफ. ओके नवाज भाई रैपअप पार्टी है, थोड़ा सा बताना चाहिए ये फिल्म कब आना की बहुत जल्दी आपसे पूछना आप लोगों से फिल्म कब तक आ जाएगी थिएटर में आएगी. आपको थिएटर थिएटर में आएगी कब तक आ जाएगी ये मुझे नहीं आइडिया है. ये हमारे सारे प्रोड्यूसर भी यही हैं, ये आप उनसे सवाल कर लेंगे ज़्यादा बेहतर है ना. तो रैपअप पार्टी है तो कितना एंजॉय करने वाले आज की शाम पार्टी में, वो भी आपके खूबसूरत बंगलों में पार्टी है, तो बताइए कि कितना एंजॉय करने वाले हैं आप लोग एंड नवाज भाई के बंगलों के लिए. मुझे बिलीव ही नहीं हो पा रहा कि मुंबई में किसी के पास इतना बड़ा बंगलो है. पहली बात तो आई एम सॉरी, मुझे बिलीव ही नहीं हो पा रहा. घर बड़े बड़े होते हैं, बॉम्बे में यूजली थोड़े छोटे होते हैं अपार्टमेंट, वो भी इतने एक्सपेंसिव होते हैं. सो जब मुझे पता चला था कि यू नो लाइक अभी इन्होंने एक नया घर लिया है बनाया है और इतने अच्छे तरीके से बनाया है, मुझे ऐसा लगा था मे बी न्यू बॉम्बे साइड थोड़ा बाहर आउटस्कर्ट्स में कहीं होगा, बट इट्स 5 मिनट दूर मेरे घर से और इतना सुंदर. और ऑल्सो आपने अपने अपने गांव वाले घर से काफी थोड़ा इंस्पायर हुआ है. तो चलिए थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए एंड गुड लक. थैंक यू सो मच सर. शॉट्स ले लीजिए उसके बाद. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Sorry, brother. Thank you.